ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। आइए भक्तों, यहां पर चर्चा कर रहे हैं कुछ कर्म फल की। वेद कहता है कृतम स्मरह, हे मानव अपने किए हुए को याद कर। महाभारतकार लिखते हैं जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, उसी तरह कर्म भी अपने कर्ता को पहचान लेता है। हमारे आने वाले जन्मों का निर्धारण कई जन्मों के कर्मों से होता है। कभी कभी देखा गया व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है फिर भी दुख पाता है। आइए कभी कैसे कहता है सुनते हैं। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। जगाले और जीवन के कर ले उजाले, नेकी के मन में ज्योत जगाले और जीवन के कर ले उजाले। लाखों तीर्थ जाके नहाले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का thank you।
बबूल के बीज को कभी ध्यान से हाथ में रखकर देखना, छूकर देखना, बड़ा मुलायम कोमल दिखता है, रेशम की तरह महसूस होता है। लेकिन जब उस बबूल के बीज को जमीन में बो देते हैं, तो जब उसका अंकुरण होता है तो कांटे निकलते हैं। अच्छे और बुरे कर्म में भी यही अंतर है। बुरा कर्म पहले बड़ा अच्छा लगता है, करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में परिणाम भयंकर देखा गया। बबूल के बीज की तरह कांटे। आप देखना, मेहंदी जब हाथ पर लगाते हैं तो मेहंदी पहले हरी होती है, बाद में लाल होती है, और खून हाथ पर लग जाए तो खून पहले लाल होगा और बाद में काला पड़ जाता है। अच्छा काम मेहंदी की तरह होता है और बुरा काम खून की तरह। बुरा काम पहले पहले बड़ा अच्छा लगता है, सुर्ख होता है, खून की तरह लाल, बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में परिणाम काला। शायर ने आइए कहने का प्रयास किया, पक्तारम पक्व पुनर्विशाति। वेद कहता है जैसा तू इस लोक में पकाएगा ना, वैसा ही परलोक में खाने को मिलने वाला है। जैसा बुनेगा वैसा ही पहनने को मिलेगा। इसलिए कहा, इस जीवन में जो हमें अगले जन्म में चाहिए, अगले जीवन में चाहिए, परलोक में चाहिए, वो हमें यहां दान देना चाहिए। भोजन का दान करो तो भोजन की कमी नहीं रहेगी, वस्त्र का दान करो तो वस्त्र की, अर्थ का, विद्या का, जिसका दान करोगे अगले जीवन में उसकी कमी नहीं रहेगी। इसलिए कवि कहता है, सुनते हैं, नेकी जगत में जो भी करेगा, नेकी जगत में जो भी करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा, मुख से कुछ भी ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे ही वो सब कुछ देगा, बिन मांगे ही वो सब कुछ देगा, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है, वो ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। गांव का किसान दिल्ली घूमने आया। पहली बार दिल्ली आया, करोल बाग में घूम रहा था, तो देखा एक भवन के आंगन में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। गांव का सीधा सादा किसान सबसे पीछे खड़े व्यक्ति से पूछता है, भैया ये लाइन किस लिए लगी हुई है? सबसे पीछे खड़े हुए आदमी ने बताया, इस लाइन में खड़े हो जाओ तो रुपए मिलते हैं। गांव के किसान ने सोचा, दिल्ली भी बड़ी अजीब है, यहां पर लाइन में खड़े हो जाओ तो रुपए भी मिलते हैं। मन में कुछ सोच के विचार करके वो लाइन में खड़ा हो गया।
जब उसकी बारी आई तो अंदर खिड़की में जो आदमी बैठा था उसने पूछा, कहो कैसे आए, कहां से आए? बोले, गांव से आए। पता लगा इस लाइन में खड़े होने पर रुपए मिलते हैं, मैं भी रुपए लेने खड़ा हो गया, लाओ दे दो। खिड़की में बैठे हुए व्यक्ति ने पूछा, कोई पर्ची लाए हो? गांव के किसान ने कहा, नहीं पर्ची तो कोई नहीं। बोले, कोई स्लिप होगी? कोई नहीं। खिड़की में बैठे हुए आदमी ने कहा, ये आपने ठीक सुना है, इस लाइन में खड़े होने पर रुपए मिलते हैं, लेकिन भैया ये बैंक की खिड़की है, यहां रुपए उसी को मिलते हैं जिसने पहले रुपए जमा कराए हों। यही स्थिति हमारे परलोक की है। अगर वहां हम कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है पहले यहां जमा कराना होगा। आप इस जीवन में जो जमा करा देते हैं ना, वही अगले जीवन में आपको मिलता है। आइए शायर कहता है, सुनते हैं। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है, कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है, न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा पेर है, ओ न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा पेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा पेर है।